हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी आपका डेटा सेंड होगा, ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड होगा, उसके साथ स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट एसोसिएट रहता है। तो आपका सेंडर में स्टॉप बिट रहेगा और रिसीवर में स्टार्ट बिट रहेगा। तो ये स्टार्ट बिट क्या है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो डेटा मैंने सेंड किया है 8 बिट ऑफ डेटा, वो है 1101 0100। तो ये जो डेटा है आपका इस तरह से फ्लो होगा, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो पहले ये जो जीरो है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो रिसीव होगा बाय द रिसीवर। ठीक है, तो ये जो बिट है, लास्ट बिट ऑफ द डेटा, वो पहले रिसीव हो रहा है बाय द रिसीवर, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे स्टार्ट बिट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बिट एज जीरो। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पे वन है, जो कि लास्टली सेंड होगा बाय द सेंडर, तो उसको हम लोग स्टॉप बिट बोलेंगे, जहां पे आपको स्टॉप करना है, दैट इज वन। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टॉप बिट क्या होता है, स्टार्ट बिट क्या होता है, और डेटा फ्लो कैसे होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है। तो यहाँ पे डेटा सेंड एज ब्लॉक, तो ब्लॉक ऑफ डेटा यहाँ पे सेंड होता है, ब्लॉक ऑफ डेटा इज सेंड एट अ रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इंटरवल में डेटा सेंड होता है, लेकिन सिंक्रोनस में क्या हो रहा था कि ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड हो रहा था कंटिन्यूअसली, वहां पे कुछ गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंटरवल में सेंड हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली गैप एग्जिस्ट होता है। तो स्टार्ट बिट जो होता है, जहां पे आपको बिगिन करना है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे जीरो लिया है, स्टार्ट बिट जीरो है जहां पे आपको स्टार्ट करना है, और स्टॉप बिट वहां पे होता है जहां पे कि आपका ट्रांसमिशन एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटरवल में सेंड हो रहा है, तो गैप आपका एग्जिस्ट कर रहा है, गैप एग्जिस्ट, जो कि आपका नहीं हो रहा था सिंक्रोनस में। ठीक है, यहाँ पे नो क्लॉक पल्सेस आर यूज्ड बट डेटा सिग्नल इज यूज्ड। अगर आपको सिंक्रोनस याद होगा, तो वहां पे क्लॉक पल्स यूज हो रहा था, जो कि स्टार्ट और स्टॉप बिट के हिसाब से यूज हो रहा था, और टाइमिंग सिग्नल भी यूज हो रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ आपका डेटा सिग्नल भी यूज हो रहा था, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या हो रहा है, आपका क्लॉक पल्स यूज नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट और स्टॉप बिट डायरेक्टली यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नो क्लॉक पल्स इज यूज्ड बट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज्ड। ठीक है, तो और एक चीज था कि सिंक्रोनस में आपका डेटा सिग्नल यूज होता था, यहाँ पे भी डेटा सिग्नल इज यूज। ऑब्वियसली आपका डेटा सेंड हो रहा है, तो डेटा सिग्नल तो यूज होना ही है, डेटा सिग्नल इज यूज। उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लॉक बट इट एड्स पैरिटी बिट टू द डेटा बिफोर ट्रांसमिट। मैंने बोला क्लॉक पल्स यूज नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉप एंड स्टार्ट बिट यूज होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट रिक्वायर्स पैरिटी बिट बिफोर डेटा ट्रांसमिशन, इट रिक्वायर्स पैरिटी बिट बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। तो अब ये पैरिटी बिट क्या है, ये पैरिटी बिट ही है आपका स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। यहाँ पे जो मैंने प्रीवियसली बताया कि इंस्टेड ऑफ क्लॉक पल्स स्टार्ट बिट स्टॉप बिट यूज होता है, डायग्राम में भी आपको समझाया स्टॉप बिट क्या है स्टार्ट बिट क्या है, उसको बोला जाता है पैरिटी बिट, जो कि डेटा ट्रांसमिशन पहले से ही जरूरत पड़ता है, विच शुड बी एसोसिएटेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, तो स्टार्ट स्टॉप बिट इज इंडिकेटेड बाय द पैरिटी बिट, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया है। सेपरेट इंटरनल क्लॉक्स फॉर सेंडर एंड रिसीवर, वो लोग क्या करते हैं, इंटरनल क्लॉक यूज करते हैं सेंडर एंड रिसीवर। ये उसका मतलब इंटरनल क्लॉक क्यों यूज होता है, एक ट्रैक रखने के लिए कि कौन से टाइम में कौन सा डेटा रिसीव हो रहा है। एंड बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है, बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होता है ऑफ द डेटा। ठीक है, एंड लो डेटा ट्रांसमिशन रेट, मैंने बताया था सिंक्रोनस में डेटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ही फास्ट है, वो फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन यहाँ पे लो ट्रांसमिशन रेट, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ही लो है। एंड टाइम इंटरवल इज रैंडम और इरेगुलर, वहां पे गैप नहीं था सिंक्रोनस में, लेकिन एसिंक्रोनस में गैप है, लेकिन कितना गैप है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जा रहा है कि टाइम इंटरवल इज इरेगुलर।
और रैंडम। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि लेटर जो हम लोग सेंड करते हैं या फिर ईमेल टाइप करते हैं तो क्या होता है कि एक के बाद दूसरा ईमेल ही आप सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली सारा ईमेल सेंड करेंगे जैसे आप चैटिंग में करते हैं, लेटर में भी वही होता है, एक के बाद दूसरा ही सेंड कर सकते हैं। तो ये एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में इसका दो मेथड होता है, ठीक है। तो एक मेथड ये है कि स्ट्रोब पल्स और दूसरा मेथड है हैंडशेकिंग। तो ये दोनों हम लोग अगले दो वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।